तो आज की क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में फरहाना जी, हम आपके बेसिक एक्सेल के अंदर में ये बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को करेंगे, राइट? ओके कि नंबर की कैलकुलेशन जो है उस पे हम किस तरह से करेंगे, ये हम आज के ऊपर बात करेंगे, और छोटे मोटे फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि कुछ नंबर्स हैं, और जैसे कि कुछ बेसिक फॉर्मूले तो आप अप्लाई कर ही लेते हो, जैसे कि सम इक्वल लगाया, सम का फॉर्मूला, और इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो माउस से आप क्लिक होल्ड करते हुए इसको सिलेक्शन करेंगे तो हो जाएगा, या फिर कीबोर्ड के, नहीं, कंट्रोल सी दबाएंगे। कीबोर्ड से, इससे एरो की से, एरो की से क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। शिफ्ट और एरो की से आप मूव करेंगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। चलिए सबसे पहले मैं आपको डेटा सिलेक्शन बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं डेटा सिलेक्शन सबसे पहले आपको बताया, कि डेटा सिलेक्शन आई थिंक लग रहा है उसमें आपको दिक्कत होगा। तो सबसे पहले टॉपिक हम कवर करते हैं आपके साथ डेटा सिलेक्शन, ठीक है? अगर मैं पूरा का पूरा डेटा कि हमको सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए मतलब कंट्रोल ऑल। तो कंट्रोल ऑल जो है करेंट रीजन को फॉलो करता है और आपका पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन एक दिक्कत होती है कब, जब आपके पास पूरा का पूरा रो ब्लैंक है। ये पूरा रो अगर ब्लैंक हुआ तो अब कंट्रोल ए करेंगे तो आपका ऊपर का डेटा ही सिलेक्ट होगा, नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। समझ गए? मैं नहीं, दोबारा बताएं। मैं एक्चुअली लिख रही थी, आपने जब बोला है। हाँ, क्या दोबारा बोलिए प्लीज। बोल रहा हूं कि कंट्रोल ए जब करते हैं आपके पास डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल ए करते हैं तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है कंट्रोल ऑल कमांड से, जो शॉर्टकट हाँ जी, कंट्रोल ए। हाँ हाँ लेकिन अगर डेटा में आपका बिल्कुल ब्लैंक है सेल, जैसे कि ये आपका ब्लैंक सेल है, राइट? ओके तो अब मैं कंट्रोल ए करूंगा तो सिर्फ ऊपर का एरिया सिलेक्ट होगा, नीचे का एरिया सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज को फॉलो करता है। तो यहां ओके सही पे है। सीरीज टूट गई, ब्लैंक आ गया, तो ये इससे ऊपर का डेटा को ही सिलेक्ट करेगा, नीचे का डेटा को सिलेक्ट नहीं करेगा। कौन सा कमांड? कंट्रोल ए। उस केस में आप जो है माउस से क्लिक, माउस पॉइंट को क्लिक करें स्टार्टिंग पॉइंट में, और माउस क्लिक रखते हुए उसको मूव करे तो सिलेक्शन बन जाएगा आपका, ठीक है? माउस को और रखते हुए क्लिक करें, ये कह रहे हैं ना आप? आपको स्टार्टिंग पॉइंट में डेटा को चले जाइए, माउस को क्लिक कीजिए और क्लिक रखते हुए कर्सर को मूव कीजिए ओके ठीक तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी। या फिर अगर आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में अपना कर्सर रखें, शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करें, यानी राइट एरो की कर रहा, फिर डाउन, तो एरो शिफ्ट के साथ एरो की इस्तेमाल करेंगे तो आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा रो बाय रो। क्लियर? ओके ठीक है। अब बात आती है कि पूरा सीट को सिलेक्ट करना है हमें, तो यहां वन और ए के बीच में ऊपर जो गैप आ रहा है ना, इस गैप पे क्लिक करेंगे तो आपका एंटायर शीट सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर पूरा सेलेक्ट करना है तो उस एरो को प्रेस करेंगे तो पूरा तो एंटायर पूरा। शीट, डेटा एंड ब्लैंक जितने भी शीट्स है, डेटा एंड ब्लैंक जो भी है वो सबको सिलेक्ट कर लेगा, जी, सही है। ठीक है? तो हाँ जी, सिलेक्शन में आपने सीखा कि कंट्रोल ए कर सकते हैं, माउस पॉइंटर से कैसे करेंगे, और शिफ्ट और एरो की से कैसे करेंगे, ये आपने सिलेक्ट कर लिया, सीख लिया। जी अब बात आती है
कि अगर मुझे कर्सर को मूव करना है, मुझे मतलब कि मुझे लास्ट में यहां मंथ पे पहुंचना है, तो एक तो है कि आप माउस से जाके क्लिक कर देते, दूसरा अगर कीबोर्ड से जाएंगे तो आपको एक-एक एरो की को प्रेस करना पड़ेगा, राइट एरो की को। जी अब देखिए यहां पे क्या है कि पूरा कंटिन्यूअस सेल पे लिखा हुआ है, अगर हाँ आप जी एरो की प्रेस करें कंट्रोल के साथ, कंट्रोल की के साथ अगर आपने राइट एरो की प्रेस किया तो राइट में चले जाएंगे डायरेक्टली, एक कंट्रोल एरो की को दबाएंगे तो ये राइट में चला जाएगा। ही राइट एरो की। ओके, अब मगर मुझे ये तो कंट्रोल एरो की को जब दबाते हैं तो वो, अच्छा वो शिफ्ट के साथ दबाते हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ दबाओगे तो सिलेक्शन होता है एक एक, कंट्रोल के साथ करोगे तो जंप होता है कि यहां से कर्सर डायरेक्टली जंप करके आपको लास्ट सेल पे, लास्ट कॉलम जो है वहां पे पहुंच गया। जैसे कि मुझे समझिए ना, मुझे इसमें डेटा एंट्री करनी है और इसमें बहुत डेटा है, अगर मैं एरो की से जाऊंगा तो एक एक करके ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा तो टाइम कंज्यूम करेगा ना। जी तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं स्टार्टिंग में कर्सर रख रहा हूं, कंट्रोल के साथ मैं डाउन की, डाउन एरो की को प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल के साथ, कंट्रोल की के साथ, तो सबसे लास्ट में मैं पहुंच जा रहा हूं। ऐसे में अप ओके करूंगा, कंट्रोल के साथ अप एरो की करूंगा तो सबसे स्टार्टिंग में पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, बस ये चीजें मैं भूल जाती हूँ, बाकी वो मुझे इतना होगा। ठीक है, या फिर आपके कीबोर्ड में देखिए पेज डाउन, डाउन एंड पेज अप भी है, तो पेज डाउन पेज अप से भी आ सकते हैं, एक सेकंड, कहाँ लिखा है ये? पेज अप पेज डाउन कीबोर्ड में होगा जी जी हाँ है, हाँ, तो उससे भी आप आ सकते हो, लेकिन उसमें क्या हो एक एक पेज आपको नीचे आएगा। ओके ठीक है। अब एक एंड है आपका, एंड दिख रहा है ना, पेज आपके बगल में एक एंड होगा, हाँ जी एंड है, तो एंड करने के बाद एक बार एंड दबाइए, फिर कंट्रोल के साथ एंड दबाइएगा तो सबसे लास्ट में पहुंच जाइएगा, कंट्रोल ओके के साथ एंड दबाएंगे तो। और सेम कंट्रोल के साथ होम है आपके पास, होम होगा, होम दबाएंगे तो स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो एंड सबसे लास्ट में, एंड होम सबसे ऊपर, मतलब कि डेटा लास्ट जहां हो रहा है रो एंड कॉलम। अब इसमें बोलेंगे सर हम कंट्रोल के साथ अगर डाउन की कर रहे हैं तो वो भी लास्ट में पहुंचा रहा है, और अप कर रहे हैं तो वो भी स्टार्टिंग में पहुंचा रहा है। तो देखिए, आप डाउन और होम और एंड दबाने के लिए कंट्रोल भी दबाना होगा या डायरेक्ट दबा नहीं, दें? कंट्रोल दबाना पड़ेगा, पेज डाउन, अच्छा पेज डाउन के लिए कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं है, वो एक एक करके जाता है वन बाय वन, एंड एंड होम के लिए आपको कंट्रोल को प्रेस करना पड़ेगा ओके राइट। जी अब मैं डिफरेंस समझा रहा हूं आपको कि होम और एंड में और आपका डाउन एंड अप एरो की में डिफरेंस ओके समझिए। डाउन एंड होम एंड एंड पे क्या बोलते हैं उसको, एरो की, डाउन एरो की एंड अप एरो की। अब जैसे देखिए कि मैंने कर्सर स्टार्टिंग में यहां रखा और कंट्रोल के साथ मैंने डाउन एरो की नीचे प्रेस कर दिया, तो कर्सर मेरा सबसे लास्ट में आ गया, और ऐसे में अप कर दिया तो स्टार्टिंग में आ गया, लेकिन कौन सा कहां पे, जिस कॉलम पे हमारा कर्सर था उसी कॉलम पे, एक कॉलम में कर्सर था तो इसी पे हुआ है। अगर मैं ओके इसी को, अगर आप बात करते हैं एंड की, तो मैंने कंट्रोल के साथ एंड दबाया तो मेरा कर्सर कहां गया, लास्ट यूज्ड सेल, यहां समझे। तो अगर आप कंट्रोल के साथ अगर एंड की को प्रेस करते हो तो वो आपका लास्ट यूज्ड सेल पे जाता है, जहां डेटा आपका खत्म हो रहा है रो एंड कॉलम दोनों, मतलब कि यहां पे नहीं आएगा वो,
107 पे नहीं आया, वो J107 पे गया। तो डेटा के सबसे लास्ट में, और सेम अगर मैं कंट्रोल होम करता हूं तो ये सबसे स्टार्टिंग में जाता है जहां आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है। जी और ठीक है। डाउन एरो की और अप एरो की क्या कर रहा है कि आपके जिस कॉलम में आपने कर्सर रख रखा है उसी कॉलम के स्टार्टिंग और एंडिंग में जाता है। हाँ जी समझ गए? अब जी एक और प्रॉब्लम देखिए, अम्मा इसकी डाउन एरो की एंड अप एरो की। मैंने 15वें रो के बाद 16वें रो से पहले हमने एक रो इंसर्ट किया। रो इंसर्ट करने का तरीका पता है मैम आपको? नहीं रो इंसर्ट करने के लिए पहले जिस रो से ऊपर अप करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके आप यहां पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर राइट कर, एक मिनट राइट राइट करके क्या क्लिक करना है? कीजिए, पहले आप रो को सिलेक्ट कीजिए, रो को ठीक है सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहां देखिएगा इंसर्ट पेस्ट स्पेशल के नीचे आएगा आपका इंसर्ट, इंसर्ट ओके सही। पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? या फिर कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस हाँ कंट्रोल प्लस, और डिलीट करने के लिए सेम नीचे डिलीट का ऑप्शन है जो कि डिलीट करता है, और शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल माइनस, इंसर्ट कंट्रोल प्लस प्लस से ऐड कंट्रोल होता है, प्लस में कंट्रोल प्लस से सी रो ऐड होता है और कंट्रोल माइनस से रो डिलीट होता है, समझे? ओके माइनस जी और प्लस याद होगा, माइनस एडिशन के लिए, प्लस डिलीशन के लिए। और सेम जी कॉलम के लिए भी ये सेम ही होता है कि कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके इंसर्ट कीजिए या फिर कंट्रोल प्लस कीजिए, तो आपका एक नया कॉलम ऐड होता है इन द बिटवीन डेटा। जी ठीक है, ये समझ में आ गया। मगर जरा सा शुरू का वो बताएं जो आपने बताया था कि सेलेक्ट कैसे करना है, ये शुरू में बताया। कंट्रोल ए बताया था आपको मैंने, नहीं, इसमें नहीं, जो आपने पहले मुझे बताया था वो हाईलाइट हो जाती है वो कंट्रोल। माउस को क्लिक करें, क्लिक करते ही होल्ड करें तो डेटा सेलेक्ट होगा, जितना डेटा सेलेक्ट। नहीं दूसरा ये नहीं पूरा होता। करना है तो कंट्रोल ए करें तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। और तीसरा मैंने बताया आपको कि पूरी एंटायर सीट को सिलेक्ट करनी है तो यहां वन और ए के बीच में अगर ट्रायंगल है उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई मुझे, जो आपने स्टार्ट में बताई थी ना कि जो शुरू में बताई थी जो कंट्रोल कैसे करना और सम निकालना है, वो वाला क्या था वो सामने बताएं जरा। कंट्रोल मैं है वो लिख रही। अभी मैंने वो आपको नहीं बताया है, अभी मैं आपको सिलेक्शन बता रहा हूं। अच्छा सही सिलेक्शन समझिए, उसके बाद जैसे आप यहां सिलेक्शन करेंगे ऐसे वहां भी सिलेक्शन करना है, ठीक है? ओके अब एक प्रॉब्लम यहां पे देखिए, मैं टॉपिक चेंज कर दी, मुझे मुझसे पता चला, मुझे याद आया कि मैंने आपको सिलेक्शन नहीं कराया है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, पहले सिलेक्शन उसके बाद कुछ। ओके तो यहां पे मैंने, अब बात करते हैं कि मैंने एक कॉलम इंसर्ट कर दिया, तो कॉलम इंसर्ट जी करने के बाद अब मैं अगर कंट्रोल ए करूंगा तो मेरा इतना डेटा सेलेक्ट होगा, अगर मैं राइट कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर लास्ट में नहीं जाएगा, यहीं पे रुकेगा, क्योंकि जहां पे सीरीज ब्रेक हो रही है वहीं पे। मतलब सीरीज क्या होती है? ब्लैंक की और फिल की, ऐसे सेल जिसमें डेटा टाइप किया गया, टाइप डला हुआ है या फिर ब्लैंक, जैसे सीरीज ब्रेक होती है दोनों में से किसी एक की, वहीं पे आपका डेटा रुक जाता है। जैसे कि यहां पे देखिए कर्सर, मैंने पी पे कर्सर रखा हुआ है, अब मैं यहां से कंट्रोल के जगह साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर क्या होगा? मंथ पे आके रुकेगा। क्यों? क्योंकि पी से लेके मंथ तक का सीरीज क्या है? ब्लैंक का है। उसी तरीके से मैंने यहां ए पे कर्सर रखा, ए पे कर्सर रखने के बाद डाउन कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस किया तो नीचे जाएगा।
तो नीचे हमारा 15 पे आके रुक गया, 15वें रो पे। क्यों? क्योंकि इससे पहले फिल है, इसके बाद यहाँ ब्लैंक हो गया। जी लेकिन अगर आप करें कंट्रोल के साथ एंड यूज करें तो लास्ट में जाएगा, वो ब्लैंक को कंसिडर नहीं करता और लास्ट यूज्ड सेल को कंसिडर करता है। ओके जी क्लियर है? अब बात करते हैं कि विथ सिलेक्शन कंट्रोल एरो की के साथ सिलेक्शन कैसे करेंगे। मतलब कि मैं चाहता हूं कि ये नीचे तो जाए लेकिन विथ सिलेक्शन जाए, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के दबा दें और मैंने डाउन एरो की इस्तेमाल किया तो ये नीचे तक आया लेकिन सिलेक्शन लेके आया। एक सेकेंड, कंट्रोल के साथ शिफ्ट, शिफ्ट दबा के नीचे जाना है। हाँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने डाउन एरो की इस्तेमाल किया तो कर्सर नीचे तक आ गया। आप बोलोगे कि इसका इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, हम कंट्रोल ए क्यों नहीं कर लेंगे। अगर मुझे मान लीजिए डेटा पूरा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट मैंने राइट एरो दबाया तो ये डेटा सिलेक्ट हो गया, हेडिंग सिलेक्ट हो गया। आप फिर 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं सर लिख रही हूं। मैम मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग अभी जस्ट मैं यूट्यूब पे डाल के भेज दूंगा, आप समझे सर, अभी जस्ट भेज दूंगा मैम 5 मिनट में। अच्छा सही है। तो कंट्रोल शिफ्ट और फिर क्या दबाया था? डाउन। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन नीचे के लिए डाउन, राइट के लिए राइट, अप के लिए अप, जो जैसा आपको जरूरत है वैसा की को आप दबाएंगे, एरो की को। चार एरो की आपके पास है, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो मुझे यहां से यहां तक की सिलेक्शन चाहिए, जे तक की। तो मैंने कंट्रोल के साथ राइट को दबाया, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ हमने राइट को दबाया। जी हाँ, ये कैसे आती है? ये जो आ रही थी ना अभी, लाइन्स आती है लाइन्स लाइन्स डॉटेड लाइन्स, ये कैसे आती? कॉपी होने पर आती है। कंट्रोल सी से आती है। हाँ इससे पता चलता है कि तो ये ये कॉपी है। आपने हाइलाइट करके मैंने कंट्रोल गलती से पाया। हो गया था, हमारा गलती से सीवी प्रेस हो गया था कंट्रोल के सामने। नहीं वो तो सही है, मगर मैं पूछ रही हूँ तो आता कैसे? कंट्रोल सी से। हाँ जब आप कॉपी करेंगे तो आएगा। जब मैं मान लीजिए मुझे कॉपी करना है तो सिलेक्ट किया कॉपी, कंट्रोल सी दबाया तो कॉपी हो गया। अब कहीं पेस्ट करेंगे तो पेस्ट होगा, इंडिकेट कर रहा है कि हाँ ये एरिया कॉपीबल है, कॉपी की गई है, इंडिकेटर अच्छा है। बस, जैसे गाड़ी का इंडिकेटर होता है लेफ्ट राइट का, वैसे इंडिकेटर है, कॉपी का इंडिकेटर है, कॉपी और कट का इंडिकेटर होता है। ठीक अच्छा सही। है, तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ जैसे मैं अपना राइट एरो की करूंगा तो मेरा राइट डेटा ये सिलेक्ट हो जाएगा, और डाउन एरो की सिलेक्ट करूंगा तो डाउन में सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक और तरीका है। तो अब बात आती है कि डेटा को सिलेक्ट करने का एक ये भी तरीका है। तो क्वेश्चन उठता है कि जब मैंने इसके लिए दो की इस्तेमाल किया, कि पहले दो स्टेप इस्तेमाल किया। पहला स्टेप हुआ कि कंट्रोल शिफ्ट से मैं राइट में गया, और दूसरा स्टेप हुआ कि कंट्रोल शिफ्ट वापस डाउन एरो की किया। तो हम कंट्रोल ए क्यों नहीं कर ले इसके लिए क्या? तो कंट्रोल ए में दिक्कत क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहां पे कुछ इस तरह से फालतू में डेटा पड़ा हुआ है, जैसे मैंने यहां पे फालतू का डेटा ले लिया, ठीक है, तो कंट्रोल ए इस फालतू के डेटा को भी सेलेक्ट कर लेगा। ओह अच्छा, समझ गया ना? तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम इसको कर्सर रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट में जाएंगे और फिर वापस कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन में आएंगे। समझ गया? ओके ये हो गया आपका डेटा सिलेक्शन कि आप डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे। समझ गए? जी अब बात करते हैं कि इन द फॉर्मूला सिलेक्शन कैसे करते हैं। जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें अपना रेंज को सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखने के लिए आप इक्वल का प्रेस करते, इक्वल प्रेस करते, इक्वल प्रेस करने से, अब मान लीजिए कि इक्वल क्यों प्रेस करना चाहते, तो मैं यहां पे सम भी लिख दूं तो एक्सेल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि सम जो है वो टेक्स्ट नहीं है, ये फॉर्मूला है।
तो कंफ्यूजन हो इक्वल्स जाएगा। है। हाँ, जब इक्वल्स हम लिखेंगे तो एक्सेल आइडेंटिफाई करेगा कि दिस इज नॉट ए टेक्स्ट, दिस इज अ फॉर्मूला। सही। उसके बाद मान लीजिए कि मैंने इक्वल लिखा और अपना फॉर्मूला का कुछ इनिशियल लेटर लिखूंगा, जैसे सम है तो मैंने एस लिखा, तो जैसे जैसे इनिशियल वर्ड लिखूंगा और मैच होता जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे सजेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एस वाले सारे लेटर आ गए, एस यू। अब मान लीजिए सम दिख गया मुझे, सम पे मैं यहाँ पे जो है एरो की से कर्सर को मूव करूंगा, किससे करूंगा, एरो की से, अप एंड डाउन एरो की से, डाउन के लिए डाउन, अप के लिए अप। और जैसे मैं सम को सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे सम फॉर्मूला अप्लाई करना है, मुझे तो पूरा टाइप नहीं करना है, तो आप यहाँ पे टैब इस्तेमाल कर लीजिए। टैब की को प्रेस करेंगे तो सम को सिलेक्ट करके सम अनब्रैकेट ओपन कर देगा। एक मिनट, टैब की कौन सी है? टैब कैप्स लॉक के ऊपर होती है। ओ टैब, राइट, ओके, सही है। अब हमने कर दिया तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे वी लूप अप्लाई किया हमने, वी एल डाल दिया, तो बस टैग इस्तेमाल करेंगे तो पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अच्छा एक मिनट, आपने कहा कि इज इक्वल टू के बाद एस लिखेंगे तो टैब की लगाएं, राइट? नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैम आप अधूरा सुन रहे हैं। मैंने बोला कि जैसे मैं एस दबाऊंगा तो एस के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे हाँ जो वो एस तो सही है। इस्तेमाल है, अब मुझे जो फॉर्मूला चाहिए, अब मुझे देख रहा हूं मुझे चाहिए सम का फॉर्मूला, तो इस लिस्ट में सम का फॉर्मूला बहुत नीचे है, तो खाए तो आप यहां सेलेक्ट कर लो सम, चूज कर लो सम का, या फिर एक और लेटर लिख दो एस यू, तो आपको सम दिख गया यहां पे। तो आप उस फॉर्मूले को पहले एरो की से सिलेक्ट करोगे जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, वो तो आपने कर लिया ना, वो पर आ गया, उसके बाद से। उसके बाद आपको टैब यूज करना है ताकि वो फॉर्मूला आपके सेल में टाइप हो जाए। जो जब मैं टैब यूज करूंगी तो खुद ब खुद ही सारा आ जाएगा। अभी आ गया ना आपके सामने, देखिए ओके फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका समझ गया आप। अब फॉर्मूला का अंदर जो आर्गुमेंट है वो डालना, मतलब कि इनपुट डालना, तो हमें सम फॉर्मूला लगा रहे हैं, सम के फॉर्मूले के अंदर मुझे उस रेंज को डालना है जिसको हम सम करना है, कोशिश कर रही हूँ समझने की। समझ गए। अब हम सम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये पूरा लेटर आपस में सम होके यहाँ पे टोटल दिख जाए, ये चाह रहे हैं ना, तो जी। फॉर्मूले पे बताना पड़ेगा ना कि किस एरिया का हमें सम डालना है, वरना फॉर्मूला खुद को तो नहीं जानेगा ना। नहीं, मैं ये तो समझ गई हूँ कि फॉर्मूला डालेगा तभी तो सम निकलेगा, मगर मैं ये सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि टैब के दबाने का फायदा क्या हुआ है वहां पे। टैब के दबाने से वो एरो आ गया। टैब दबाने का फायदा होता ही है, देखिए मुझे टैब दबाने का फायदा है हुआ, अब टैब नहीं दबाऊंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा एस यू एम ब्रैकेट ओपन। ओके अगर हमने टैब दबा दिया, हमने सिलेक्ट करके टैब दबा दिया, तो मुझे बाकी चीज लिखने की जरूरत है। जैसे मुझे वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैंने इक्वल वी एल बस दो लेटर टाइप किया, वी लुकअप ऑटोजेशन में नीचे आ रहा है, अब मैं टैब दबा दूंगा तो पूरा वी लुकअप लिख के आ जाएगा, मुझे पूरा डबल ओ के यू अप ब्रैकेट ओपन लिखने की। अच्छा ठीक है, यानी कि वो लिखा हुआ आ जाएगा टैब के दबाने में। आप गूगल पे सर्च करते हैं ना, गूगल पे सर्च करते ऑटोमेशन आ जाता है, आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो बाकी चीज सिलेक्ट करने की जरूरत, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना आपको, सेम राइट राइट, सही है। थिंग। मैं ये समझ रही थी कि उससे वो पूरा फॉर्मूला भी लिखा हुआ आ जाएगा, बाद के बाद का क्या करना। हाँ, तो फॉर्मूला तो लिखा हुआ आ ही रहा है इस पे, लेकिन आपको मैनुअली ये अप्लाई करना पड़ेगा ना कि आपको कहाँ पे फॉर्मूला, किस सेल का फॉर्मूला इनपुट देना है, तो इनपुट के लिए आपको मुझे ये चाहिए, तो मैं माउस पॉइंट को क्लिक करूंगा और क्लिक रखते हुए जहां तक एरिया है वहां तक माउस को मूव करूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन जी हो गया। ओके और ये इस तरह के मूव कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि इतना एरिया सेलेक्ट किया गया है।
और उसके ओके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला अपना रिजल्ट दे देगा। हाँ सही, अब मुझे समझ आ गया। हाँ सही, ओके, तो सम आ गया। इस तरह से मुझे अगर सम के बाद एवरेज का फॉर्मूला चाहिए तो इक्वल एवरेज, ठीक एवरेज में मैंने ए भी डाला और एरो की से अपना मैं एवरेज का फॉर्मूला सेलेक्ट किया और टैब प्रेस किया तो यहाँ टाइप किया, कर्सर जहाँ है वहां पर टाइप किया हुआ आ गया। और जी, सेम मैंने अपने फॉर्मूला एरिया को सेलेक्ट किया तो एवरेज ब्रैकेट क्लोज किया एंटर मारा तो एवरेज आ गया। सही है। ऐसे मुझे मैक्सिमम लगाना है तो एम ए मैक्स का फॉर्मूला, एम ए लिखा नीचे गया मैक्स को सिलेक्ट किया टैब प्रेस किया मैक्स लिखा हुआ पूरा आ गया। उसके बाद माउस पॉइंटर से मैंने डेटा के स्टार्टिंग पोजीशन पे क्लिक किया और क्लिक रखते हुए कर्सर को नीचे की तरफ मूव किया, यहाँ मेरा A1 से A7 का रेंज आ गया। ब्रैकेट को क्लोज किया एंटर मारा मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, जी तो इस तरह से हुआ। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैम अभी ये डाल देता हूं, आप बैठ के अच्छे तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए और छोटे मोटे फॉर्मूला